तो हाय एवरीवन, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोफेसर गेस्ट पेपर। ठीक है, तो देखिए ये जो पेपर है आपका सेमेस्टर थ्री में सेक पेपर रूटीन में निकल गया एग्जाम का टाइम टेबल। तो ये पेपर सबसे लास्ट में होगा, इसीलिए मैं दे रहा हूँ फाइनली, क्योंकि बाद में फिर इसको बीच बीच में देखेंगे। तो जो लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे हो खरीद लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है इसमें। हालांकि एग्जाम में इंग्लिश में ही आ सकता है, मैक्सिमम संभावना है कि जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो सभी इंग्लिश में ही हो, क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज में जो एग्जाम हुआ है वो आपका इंग्लिश में हुआ था, हर बार मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं ऑलरेडी 8 क्लास कर चुका हूँ। ठीक है, 8 क्लास, और इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट यूनिट बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपका यूनिट 3 जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। अरे यार, गजब का हिचकी आ रहा है। ठीक है, तो आज थक चुका हूँ, रांची से ही वापस आया हूँ घर, तो क्या बताएं, हालत बुरा हो गया है। तो इसीलिए सोचा कि यार आज पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, आप लोग के हवाले कर देता हूँ। देखिए क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यूनिट 3 है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 4 है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये आप लोग इसमें जानिएगा इस यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका जो आएगा, कहाँ गया, कितना दूर में आएगा, जल्दी आएगा। ठीक है, आज मैं क्लास कराने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन सोचा कि यार डेली डेली अगर एब्सेंट करूँगा ना तो मेरा ही बोझ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट 7। यूनिट 7 में आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, ठीक है, स्प्रेडशीट कि इसमें स्प्रेडशीट क्या होता है, इसके एक्सटेंशन नाम क्या है, ठीक है, और इसमें फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, लगाया कैसे जाता है, ये सारे आपको इसमें पढ़ने। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो यूनिट बचता है इसमें, और ये आपका यूनिट है बस, उसके बाद मैं सभी करवा दिया हूँ आपको। अगला यूनिट है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें आपको जानना है कि पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नाम क्या है, स्लाइड्स इसमें कैसे तैयार किया जाता है पावर पॉइंट में, ठीक है, जनरली यही सब जानिएगा। और ये इसका पूरा का पूरा मैंने बता दिया जो था, ठीक है, बाकी डिजिटल एजुकेशन हो, इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर हो, छोटा छोटा जितना भी है मैंने सब अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा, बाकी जो नहीं खरीदे हैं खरीद लेना, और इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि देखिए पीडीएफ मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका यूज उस टाइम पे कर सके जब आपके पास बुक नहीं हो, ठीक है, खाली टाइम में बुक नहीं है तो आप ये पढ़ के उस टाइम पे काम चलाइए, लेकिन आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, और क्या बताएं, बाकी सभी जितना भी सब्जेक्ट है आपका मेजर माइनर और एसी पेपर एमडीसी पेपर सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही मैं कल से ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप लोग ये मत बोलिएगा कि भैया इसका कर दीजिए इसका कर दीजिए, अरे भाई कर दूंगा, सबका कर दूंगा, रिलैक्स रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, अकेला आदमी अपना पढ़ाई भी करता हूँ, आप लोग का भी देता हूँ कंटेंट, और अब मुझे तो काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ अच्छा सा जॉब मिलेगा तो ज्वाइन करूंगा। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम का, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, पैर घिसा जाता है, सही बता रहा हूँ, आज मैं पैर घिसा गया।